जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों से चार एप्लीकेशन के हवाले से बात करूंगा। नंबर वन इथीन आपको यहां पे भी शो हो रहा होगा और इसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो कि व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है मुझे कमेंट्स और मैसेज देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा ओईएक्स के हवाले से, ओवर वैलेट के हवाले से, सीलिया नेटवर्क के हवाले से। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो इंशाल्लाह शानदार लगेगी आपको और सारी अपडेट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा दोस्तों का ये मुझे जो है सवाल होता है कि आपकी वीडियो लेट आती है, तो वीडियो लेट आने की एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं तो मैं ड्यूटी के लिए निकलूंगा और वहाँ पर जो है जाऊँगा ड्यूटी से जब फ्री होगा, ठीक है। पूरा दिन 6 बजे तक ड्यूटी होगी और ड्यूटी से जब निकलूंगा फिर एडिट करके फिर अपलोड करूंगा। शाम को अगर आके बनाऊं तो थोड़ा जो है लेट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से लेट बनती है। नहीं तो अभी बन गई है तो 1 घंटे के अंदर मैं आपको दे भी सकता हूँ, तो बीच में जो ड्यूटी वाला मसला आता है तो यही जो है रीज़न है, थोड़ा लेट हो जाती है मेरी वीडियो। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है तो उसके अंदर भी आपको अपडेट्स मिलेंगी। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक ईजिली पहुँचती रहे। सो गाइस, यहाँ पे इथीन नेटवर्क मेरे पास ओपन है और इथीन नेटवर्क के हवाले से काफ़ी मेरे ऐसे मेंबर्स और दोस्त हैं जो कहते हैं यार हमने टोकन सेल करने हैं, टोकन सेल करने हैं, टोकन सेल करने हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इनको जिस एंगल से, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं उस एंगल से हो सकते हैं आप लोग ना देख रहे हो, ठीक है। मेरी टीम के कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो मुझसे भी ऊपर की जो है वो रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल उनको जो है उनको उंगली पकड़ के जो है चलाना पड़ता है, तो कुछ इस तरह का सीन है, सुनहरियो है। और आप लोगों ने जो है बात को समझना है, यहाँ पे इथीन टोकन जो आप लोग मुझे सेल करने की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं इस महीने जो है आपको जैम टोकन जो है 150 मिले थे, एक जैम के लायन टोकन जो है 150 मिले थे। अब इस बार आपको क्या होगा, सिर्फ आपको 80 लायन टोकन मिलेंगे और 493 लायन अपना जैम टोकन का जो है आपको एक ATH मिला था। अब आने वाले वक्त में जो इस मंथ की जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हो सकता है 1000 जैम का एक ATH कर दें तो वैल्यू देख लो कितनी बनती है, और आपके हो सकता है 10,000, 5,000, 20,000 इतने आपके जो है जैम हों और आपको 10 या 15 जो है इतने ATH एक महीने के मिले, तो क्या करेंगे आप? अगर आपके पास अभी तक पड़े हुए हैं होल्ड रखें, जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो बाकी इनकी अभी किसी भी एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई, ये इनकी जो है पता नहीं ना अहली समझें या कुछ और समझें, वो आपके ऊपर जो है। बाकी इसकी जो अपडेट्स हैं और टोकन यहाँ पर मैं दिखाऊँ, इस वैलेट के अंदर मेरे पास जो है पड़े हुए हैं 930, एक और वैलेट है उसके अंदर हज़ारों में पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको जो है दिखाऊँगा। और यहाँ पर जैम टोकन भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो है अपनी आपने माइनिंग जो है यहाँ पे वो नहीं रोकनी, अपनी माइनिंग जो है वो आपने करते रहना है, क्लेम करते रहे, माइनिंग जो है स्टार्ट एंड जब हो जाए आपने स्टार्ट अपनी माइनिंग जो है कर लेनी है। बाकी इसके हवाले से काफ़ी सारी अपडेट्स आएंगी, अभी जो है इतनी ही है, आप इनको होल्ड रखें, डेली वर्किंग करते रहें, ये आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट दे के जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ ओवर वैलेट के ऊपर। ओवर वैलेट के ऊपर इन्होंने जो है पुल लगाया था और टीम जो है पीछे से जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ और मेहनत के साथ यहाँ पे काम कर रही है और इंशाल्लाह इसका मेनट बहुत जल्द हमारे पास आएगा और यहाँ से हम अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक पूल लगवाई थी, डेफी NFT गेम और रिप्लाई टू कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेफी वाला जो है ये इन्होंने टीम वालों ने जो है वो ज़्यादा रखा है क्योंकि इस पर मेहनत जो है हमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। और इनकी रिसेंटली जो है जंबो कंपनी के साथ इनका जो है वो भी हुआ था, आपको पता है पार्टनरशिप पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, जो ओवर वैलेट की मैंने बनाई थी, जंबो मोबाइल के साथ इनकी जो है पार्टनरशिप है, हो सकता है आने वाले वक्त में आप इस एक्सचेंज से मोबाइल भी ओवर टोकन से बाय कर पाए, ठीक है। तो इसकी अभी इतनी अपडेट है, यही है कि इनका इंशाल्लाह मेनेट जो है इसी महीने भी आ सकता है, अगले महीने भी आ सकता है, लेकिन बहुत जल्द आएगा। टेस्टनेट का इन्होंने एक मंथ बोला था, एक मंथ से ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह इनको भी फिक्र होगी कि हमने जो अपनी कमिटमेंट की थी उन पर पूरा नहीं उतर रहे, तो कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ओपन ई एक्स की पार्टनरशिप इतनी हो चुकी है, मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा, और इन्होंने जिनको फॉलो किया हुआ है, बेनान्स है, गेट डॉट आईओ है, बायबिट है, OKX है, अच्छा मैक्सी ग्लोबल है, अच्छा बिटगेट वैलेट है, अच्छा इन्होंने काफ़ी एक्सचेंजेस को जो है फॉलो किया हुआ है,
तो इंशाल्लाह ये 10 एक्सचेंजेस पे लाजमी लिस्ट होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। सिर्फ आपने दुआ करनी है कि इसका रेट जो है वो अच्छा निकला है, $2-3 तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि टोकन हर बंदे के पास बहुत कम है। तो इनकी पार्टनरशिप, हर पार्टनरशिप मैं आपको दिखा नहीं सकता, एक पार्टनरशिप DX सेल के साथ हुई है इनके साथ, मतलब ये एक अच्छा जो है एक्सचेंज है, इसके साथ काफी ऐसे टोकन है जिनकी पार्टनरशिप जो है होती है। अच्छा, इसके अलावा सीलिया टोकन, यहाँ पे सीलिया टोकन की भी कुछ आपको अपडेट्स नजर आ रही होंगी। यहाँ पे देखें इनका राउंड जो 2 स्टार्ट होने वाला है, डेट इन्होंने दी थी 8 मई, आज 9 है, 8 मई से 21 मई के दरमियान जो है आपको बहुत गुड न्यूज यहाँ पे जो है मिलने वाली है। उसमें ये क्या देंगे, एयर ड्रॉप 2 देंगे, एयर ड्रॉप 3 देंगे, एक दो और एयर ड्रॉप इसके अंदर जो है ऐड हो जाएंगे। इसके बाद KYC 2, एड्रेस सबमिशन का हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा। KYC Step 1 जो है वो हो चुका है, Part 1, ठीक है। उसके लिए करना क्या होता है, आपको 15 दिन की जो है स्टीक बनानी होती है, 15 दिन डेली आपको माइनिंग जो है वो रेगुलर करनी होती है। जब आप रेगुलर 15 दिन माइन कर लेते हैं तो फिर आपका Step 1 जो KYC का फेज है वो ऑन हो जाता है, फिर आपने अपना वो स्टेप जो है कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको Step 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे, आपने चेक कर लेना, अगर पहला स्टेप आपने सीलिया की KYC करने की हो तो वो आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद इसका ICO, ठीक है, पब्लिक सेल आएगी, वहां से प्राइस का जो है अंदाजा होगा, प्राइस इसकी 0.1 या 0.01 से जो है स्टार्ट होगी, तो ये 0.012 तक जो है इसकी प्राइस, रिसेंटली वीडियो के अंदर मैंने बताया था। फिर इसकी जो है चौथे 5वें नंबर पे जो है इसकी लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग इसकी होगी तकरीबन, इसको 6 महीने और लग जाएंगे, तो अभी इसके पास इसके ऊपर आपके पास जो है टाइम है, अभी आप जितना माइन कर सकते हैं, टीम बनानी है, कुछ भी करना है, मेहनत करें और इसके ऊपर टीम वगैरह बनाएं, इसका आपके पास काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम है। आप जो है यहाँ पे जितनी मेहनत स्ट्रगल करके अपने टोकन बना सकते हैं बना लें, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट देके जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 4 प्रोजेक्ट्स की आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह बाकी OpenEX भी बहुत जल्द जो है लॉन्च होगा, इसके बाद जो है सीलिया थोड़ा लेट होगा, इसके बाद ओवर वैलिड भी बहुत जल्द जो है लॉन्च होगा, और इथीन को तो वैसे देर है, अभी वैसे मार्केट के अंदर 7-8 रुपए का सेल हो रहा है। इथीन की प्राइस की आप बात करूं, 1 या 2 मंथ सबर करो, आपको 40 से 50 रुपए का आपको एक ATH जो है सेल करना पड़ेगा, सेल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी वजह से कहता हूँ थोड़ा सब्र रखा करें, जहां से आपको जो है ज्यादा प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।